बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑक्सफर्ड न्यू काउंटडाउन फॉर ग्रेड 6 सेकंड एडिशन। काइंडली ओपन द बुक्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, दैट इज फाइनेंशियल अरिथमेटिक। फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स जो है ये फाइनेंस से डील करता है, फाइनेंस को ये डील करता है, यानी मनी को डील करता है, और अरिथमेटिक्स जो होता है ये कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है। फाइनेंस मीन मनी, यानी सेलिंग परचेजिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा बैंक में अमाउंट जो होती है, इंटरेस्ट रेट जो होता है, इसके अलावा डिस्काउंट जो होता है, ये सारा ये अरिथमेटिक जो होता है ये इन सबको डील करता है। Arithmetics has its roots in the Greek word arithmos, which means number. इसका क्या मतलब होता है? Number. Arithmetics is the most frequently used part of arithmetics in everyday life. Calculation of price and measurement of time, length, area and volume involve arithmetical operation. ठीक है, ये किस किस को डील करता है? Prices को, यानी मनी को। इसके अलावा measurement of length, area, volume, ये इसके अलावा ये सारे operation भी इसमें involve होते हैं arithmetic operation में। Now comes to the next page. Here we have a new topic, that is unitary method. Unitary method जो है ये unit से derived हुआ है, mean one. इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो ग्रुप के फॉर्म में होते हैं। हमें ग्रुप्स के बजाय हमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। द यूनिटरी मेथड इज यूज टू फाइंड द वैल्यूज अटैच टू इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स एंड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके, हम इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, मिस्टर कमाल अर्न्स रुपीज 1,05,000 इन 3 मंथ्स। मिस्टर कमाल 3 मंथ्स में 1,05,000 मनी अर्न करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ मच डज ही अर्न इन 5 मंथ्स। 3 मंथ्स में अर्न करते हैं, और हमने ये फाइंड करना है कि 5 मंथ्स में वो कितना अर्न करते हैं। तो ये 5 मंथ्स हमें फाइंड आउट करने से पहले, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करता है कि वो 1 मंथ में कितना अर्न करते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, इनकम इन 3 मंथ्स इज इक्वल टू रुपीज 1,05,000। इनकम इन 1 मंथ की इनकम हम कैसे फाइंड करेंगे, टोटल मनी वो जो 3 मंथ्स में वो अर्न कर रहे हैं उसको हम 3 के साथ डिवाइड कर लेंगे, तो हमें 1 मंथ की हमें इनकम आ जाएगी 35,000, दैट इज 35,000। नाउ वी हैव टू फाइंड मनी ही अर्न इन 5 मंथ्स। सो जो 1 मंथ की जो इनकम थी उसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड 5 मंथ्स की हमारे पास इनकम आ जाएगी, दैट इज 1,75,000। ओके स्टूडेंट्स, 1,75,000। ये क्या हो गया, दिस इज यूनिटरी मेथड। नाउ कम्स टू द एक्सरसाइज 7A। हियर वी हैव अ क्वेश्चन, इफ अ बैग कंटेनिंग 12 kg ऑफ बासमती राइस सेल्स एट रुपीज 492, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ राइस। 12 kg राइस की प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस उनकी कितनी है, रुपीज 492, एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ राइस। ओके, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, I have done this question for you. Cost of 12 kg rice is equal to rupees 492. Cost of 12 kg rice is 492 and we have to find the cost of 2 kg rice. 2 kg rice की हमने price find out करनी है। सबसे पहले हमें पता है कि जब हम unitary method से question solve करते हैं तो हमें क्या करना होता है, we have to find the cost of 1 kg first. 1 kg की हम price find करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। तो हम क्या करेंगे, हमें जो अमाउंट जो उसकी कॉस्ट की बनती है उसको हम 12 के साथ डिवाइड कर लेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू रुपीज 41, दिस इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस। सो हम क्या करेंगे, हम 2 को 1 kg राइस की प्राइस के साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ वी गेट द रिक्वायर्ड आंसर। तो रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास क्या आया, रुपीज 82, कॉस्ट ऑफ 2 kg राइस इज रुपीज 82। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है इनके आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने ये खुद भी ट्राई करने, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आप लोगों ने खुद भी ट्राई करने और आपको नोट्स के फॉर्म में भी मिल जाएंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पेज, हेयर वी हैव एन टॉपिक दैट इज परसेंटेज। परसेंटेज क्या होती है, लेट्स हैव अ लुक ऑन डेफिनेशन। परसेंटेज, द वर्ड परसेंट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लैटिन वर्ड परसेंटम, मीनिंग आउट ऑफ 100 और फॉर एवरी 100। मीन अगर हम 1% की बात करते हैं तो 1% का मतलब क्या होता है, 100 में से 1। या हम कहते हैं 15%, तो 15% का मतलब क्या होता है, 100 में से 15। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स गिवन है, 100%, 100 में से 100 दैट इज इक्वल टू 1, 1% 100 में से 1, और 10% 100 में से 10, 20% 100 में से 20। ठीक है, ये हो गया
परसेंटेज। अब हम एग्जांपल नंबर थ्री करते हैं। एग्जांपल थ्री इज द कॉस्ट ऑफ अ बुक इज रुपीज 60, द शॉप ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑन ऑफ 40% ऑन सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ द बुक। एक बुक शॉप है और वहाँ पे एक बुक है जिसकी प्राइस 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ के ऊपर जो बुक शॉप जो बुक सेलर जो है वो 40% का डिस्काउंट वो ऑफर करे, तो आपने बताना है कि डिस्काउंटेड प्राइस क्या है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, कितने परसेंट वो डिस्काउंट दे रहा है, 40% ऑफ कितने रुपये, कितने मनी के ऊपर वो 40% दे रहे हैं, 100 के ऊपर, 100 के ऊपर 40% जब वो करेगा तो वो कितना होगा, 40 रुपीज़। अब 60 रुपीज़, 60 के ऊपर 40% डिस्काउंट है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे 40% ऑफ 60, 40, और ये जो परसेंट का जो साइन है इसको हम कैसे लिखते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 60, जिस अमाउंट के ऊपर वो डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर देंगे, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या नंबर्स बचे, 4 मल्टीप्लाई 6, दैट इज 4 6 are 24। सो वो जो बुक सेलर है वो 60 रुपीज़ के ऊपर कितना डिस्काउंट वो ऑफर कर रहा है, 24 रुपीज़। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स आप लोग देख लीजिएगा, ये वैसे ही हैं जैसे पहले हमने एक एग्जाम्पल की है। एक्सरसाइज 5B पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 7B, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फ्रैक्शंस। यहाँ आपको परसेंटेज के फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन, आपने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में आपने इसको कन्वर्ट करना। आई हैव डन वन क्वेश्चन फॉर यू, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यू विल हैव टू डू बाय योर सेल्फ। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि 15%, ये जो परसेंट का साइन होता है उसका मतलब होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 मीन जो परसेंटेज का आपको साइन गिवन होगा तो आप डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, सो 15% को जब कन्वर्ट करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 100, इसकी कटिंग करेंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 15 और 100 जो है 5 के साथ इसकी कटिंग हो रही है, कटिंग जब की तो आंसर क्या आया, 3/20, इट्स इन फ्रैक्शन फॉर्म, और इसके अलावा ये लोएस्ट फॉर्म में भी है। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 यू विल हैव टू डू बाय योर सेल्फ। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। अब यहाँ पे आपको फ्रैक्शन गिवन है, ये सिंपल आपको नंबर गिवन होगा, डेसिमल गिवन होगा, उसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में आपने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आई हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यू, 1/5 को आपने परसेंटेज में आपने इसको कन्वर्ट करना है। याद रखें जब आपको परसेंटेज का साइन गिवन होगा आपने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो आपने डिवाइडेड बाय 100 करना है, बट जब आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा किसी नंबर को तो आपने उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सो आप क्या करेंगे, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो मल्टीप्लाई 100 करते हैं ये परसेंटेज को डिनोट करता है, 5 1s are 5, 5 20s are 100, सो रिक्वायर्ड परसेंटेज इज 20, और साथ में आपने परसेंटेज का सिंबल भी लगाना है, 20%। ओके स्टूडेंट्स, रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 यू विल हैव टू डू बाय योर सेल्फ, ये वाले जो ये आपने खुद से करने हैं, बाकी जो क्वेश्चन हैं इसके नोट्स आपको स्कूल एडमिन ऑफिस में आपको अवेलेबल होंगे, आप स्कूल एडमिन ऑफिस विजिट करें और ये नोट्स आप लोगों ने ले लेने। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन अवर वर्क फॉर टुडे, हमारा आज का काम इतना ही था, आपने सभी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।